आप रुके, हम एंटीडोट ढूंढ कर आते हैं। नहीं करिश्मा सिंह, आप नहीं जाएंगी, एंटीडोट लेने हम जाएंगे। आप हसीना जी के पास रहिएगा और याद रखिएगा, जब तक हम वापस नहीं आते आप हसीना जी को जगा कर रखेंगी, इनकी आंखें बंद होने नहीं देंगी। ये काम सिर्फ आप ही कर सकती है, ठीक है? चलिए पुष्पा जी। हाँ जी, इनको बेहोश मत होने देना। मैडम सर, मैडम सर देखिए, आपको ना होश में रहना है, आपको ना आंख बिल्कुल बंद नहीं करना है, समझ लिए ना आप हमारी बात को? अब हम आपको वचन देते हैं, हम ना मैडम सर, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल हाँ आपके साथ खड़े हैं। क्या ये सब कुछ गेंदा ने किया? जी सर, इस सारे फसाद की जड़ गेंदा जी है, लेकिन वो सब बाद में, आप पहले अपना सेफ खोलिए सर, प्लीज। सेफ सर प्लीज, वक्त बहुत कम है। बेटा आप ये रुके मत, सुनिए आपको नहीं, आपकी आंख बंद नहीं हो सकती, आप होश में रहना है, आप हमसे बात कीजिए, हम वचन देते हैं, हम प्रलय मचा देंगे यहाँ पे, बता रहे हैं। मैडम सर सुनिए 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 सुनिए, हमारे आंखों में आके देखिए, हम आंखों में आके डाल के हमसे बात कीजिए। हमें ये बताइए, आप अनु भैया से प्यार करती है ना मैडम सर? देखा, हमको पता था आप प्यार करती है, हमने देखा है। मैडम सर देखिए, आप आंख बंद नहीं कर सकती, आप आंख बंद नहीं कर, आप उठिए हमसे बात कीजिए, हमने देखा है वो आपसे प्यार करते हैं। मैडम सर वो आपसे प्यार करते हैं, हम अम्मा जी से बात करेंगे, आप आएंगी ना शादी करके घर पे, आप आएंगी ना। सुनिए हमारा बात सुनिए, प्लीज हमसे बात कीजिए, आप हमारी आंखों में आके देख के बात कीजिए आप, और हमें तो अभी बहुत सारे केसेस सॉल्व करने हैं ना साथ में। नहीं नहीं मैडम सर, हमसे बात कीजिए, बस आई रहे अनुभव भैया, वो एंटीडोट लेकर आ रहे, बात कीजिए हमसे। मैडम साहब, मैडम सर आपको होश में रहना है, प्लीज आपको होश में रहना है, आपको हमें माफ कर दीजिएगा, आपको नहीं मानना लेकिन। मैडम सर कहीं कुछ मिला आपको? नहीं पुष्पा जी, हमने भी सारा घर छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है सर, समझ में नहीं रहा क्या करें। हे माँ, मैडम सर की रक्षा करना अब आप ही के हाथ में, कुछ कीजिए। मैडम सर प्लीज उठ के नहीं उठे रहिए प्लीज नहीं सुने, अनुभव भैया आते होंगे। बात को
हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको मारा, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आपको होश में रहना, आप एक काम कीजिए, आप हमें मारिए, आप हमें मारिए, आप हमें मारिए, मारिए हमें, मारिए मैडम सर, जी मैडम सर, प्लीज रुकिए, करिश्मा सिंह, करिश्मा जी, बंद स्टोर, यस मैडम सर, मैं संतू। आराम से, आराम से। मैडम सर, अब कैसा लग रहा है आपको? देखा, हमने कहा था ना, हमने वादा किया था आपसे कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। देखिए, आपको कुछ नहीं हुआ, बस अब आप थाने में आप वापस आ जाइए, क्योंकि आपसे लड़े नहीं ना बहुत दिन तक, तो हमारे पेट का हाजमा खराब हो गया एकदम से। डायलॉग बाजी का भी देखिए ना, हमको मौका नहीं मिल रहा है। आप अब वापस आ जाइए तो फिर सबको लगेगा कि सब नॉर्मल चल रहा है। वेलकम बैक मैडम सर, आपके साथ इतनी सारी दुआएं थी तो कैसे आपको कुछ हो सकता था? हमारे शिव जी का आशीर्वाद भी था। हम सबको ना बहुत जरूरत है आपका मैडम सर, हम सब लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। आप ऐसे करके ना हम सब लोग को मतलब ऐसे डरा ही दी थी, एकदम जान निकल गया था हम लोग। हमने पिछले जन्म में ना जाने कौन से पुण्य किए थे कि इस जन्म में हमें ऐसी बेटी मिली जिसने अपनी जान को दांव पर लगाकर ना जाने कितनी बेगुनाह जाने बचाई है हमें। ना सा जो कुछ भी इसने किया है और हिंदा ने जो किया उसके लिए हम उतना ही शर्मिंदा हैं। खैर, अगले महीने हम अपने स्कूल की स्थापना कर रहे हैं, जिस स्कूल का नाम हमने अपनी बेटी हसीना के नाम पे रखा है, जहां हम गरीबों को मुफ्त शिक्षा देंगे और उस शिक्षा के मंदिर से करिश्मा और हसीना जैसी कई लड़कियां निकलकर इस देश का नाम रोशन करेंगी। दीदी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। थैंक यू मानसे। आप सबके लिए हसीना जी, हमें आप पर बहुत गर्व है। आप जैसी बहादुर और निडर ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट में है। थैंक यू सर। अम्मा, हमने तो पहले ही कहा था, अनु भैया में इतना भी कोई क्वालिटी नहीं है जो मैडम सर अपने होने वाले पति में ढूंढ रही है। अब सबकी अकल से पर्दा हट गया। हाँ, अगर जो भी हो, डीएसपी सर के मिशन वाले प्लान की वजह से मैडम सर का दिल टूट गया है और वो उनके चेहरे पे साफ नजर भी आता है। नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कि मैडम सर का दिल टूटा है, कहीं शराब पीना ना शुरू कर दे वो। नहीं संतु, शराब काहे पियेंगी मैडम सर? नहीं, मैं जानती हूँ जिन लोगों का दिल टूटता है ना वो अक्सर शराब पीना शुरू कर देते हैं। तुमको सब पता है? हाँ मैडम, संतु जी ना बिल्कुल सही बोल रही है। हमारे ना एक दूर के चाचा जी थे, ब्रेकअप होने के बाद से ना पास के ठेके से शराब पी कर ना दूर दूर नदी नाला से समेटे जाते थे ऊपर। देखा मैडम, यहाँ आसपास कितने सारे नदी और नाले हैं, मैडम सर को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। उफ, माँ। मैडम, मैडम, जिसको इंग्लिश बोलने नहीं भी आता है ना, वो दो तीन पैग के बाद से ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला इंग्लिश बोलने लगता है। क्या पुष्पा जी? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, पुष्पा जी को ना पता होगा कि कभी कभी घर में अंग्रेजी बोल देती है, एक दो लाइन दारू पी के बोलती होंगी और का। एक मिनट, आपके कहने का क्या मतलब है? मतलब हम तभी अंग्रेजी बोलते हैं जब हम लगा लेते हैं? बिना लगाए इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं क्या पुष्पा जी? वेट वेट, आई टेल वेरी मच इंग्लिश प्रॉपर। ऐसे नहीं लग रहा अंग्रेजी नहीं दो चार लगा लियो आज। बाहर निकलो, बाहर आइए। अंकल,
बाहर निकली है आज तो इतना मारे बाहर निकली है बाहर निकली है। हाय मैया की सासू मैया क्या चल रहा है ये सब। हाँ मैडम क्या ये थाना है आपका घर का किचन नहीं है जो आप उठा के ले आई है यहाँ पे पूरा किचन। हमारा डब्बा जो यहाँ आ गया पति है ये हमारे। अरे क्या मेरा क्या तुम्हारा सारे संसार है सबका। दारू अभी तक चल रही है चखना खत्म हो गया कब का। बाप रे तो जहरीला सायर है फिर शायरी घटी है। अरे बीवी दारू हमने पी है और ये तुम्हारे हाथ से छूट रहा है पकड़ो अच्छे से मारो। अम्मा ये थाना है आपका घर नहीं है जो आप खुलेआम अपना पति को ऐसा पीट रही हैं। बताएंगी मैटर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। बताएंगे मैटर मैडम जरा दो गज की दूरी तो बनाएं आप। सोशल डिस्टेंसिंग हम जब भी दारू लेने जाते हैं ना दुकान पे तो दो गज की दूरी बना के रखते हैं। चुप बताइए अब मैटर का है। हाँ तो मैडम मैटर ये है कि ये है हमारे पतिदेव अशोक। इनके पिताजी ने इनको विरासत में 25 दुकानें दी थी 5 बेचकर सारा का सारा पैसा इन्होंने दारू में उड़ा दिया। अच्छा तो मतलब अभी 20 दुकानें बची है बेचने के लिए। अरे मैडम आप एकदम अपने वाली हो। नहीं जब ये पैदा हुई थी ना तो जो लॉजिक होता है ना लॉजिक उनसे इन्होंने ना दो गज का दूरी बना लिया था जो अभी तक बना हुआ है। अरे हम आपको बताते हैं ये हमारा खून पीती है और हम पीते हैं दारू। इफ आई रिस्पेक्ट हर चॉइस शी शुड रिस्पेक्ट माई चॉइस ना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे बाप रे बाप इसका अंग्रेजी भी एक खंभा डाउन है। इनकी एक और चॉइस बताएं आपको ये बिस्तर पे सोना चूज नहीं करते हैं कभी गली में कभी नाले में पड़े हुए मिलते हैं ये हमको। आज सुबह गली के कुत्ते के माथे को चूम चूम कर कह रहे थे करीमा तुम कितनी खूबसूरत हो। अच्छा तो कुत्ते का नाम गरिमा होगा। गरिमा हमारा नाम है। ओ अरे मैडम आप तो एकदम अपने वाली हो। इससे आपको ये समझ में आएगा कि हम इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि जानवर में भी हमको इन्हीं का चेहरा नजर आता है लेकिन इनको हमारे अंदर जानवर नजर आता है। तू कितनी खूबसूरत है मेरी नजरों से देख। चना खत्म हो गया जाके जल्दी जल्दी पापड़ सेक। मैडम गरिमा जी आपको ना पूरा हक है कि आप अपने शराबी पति को ना मारे। हम कहते हैं इतना मारे कि सब शराबी पतियों को पता चले कि शराब कितना गलत चीज है पूरा जिंदगी खराब कर देता है। चीते एक लॉक अप खोलो खोलो खोलिए 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 इसको। एक मिनट का ये हां जल्दी खोलो। मैडम इसमें ये वाला ताला का चाबी तो है ही नहीं। चाबी नहीं है का मतलब है चाबी कहां है। चाबी तो ये रही। देखो जल्दी से चाबी दो वरना जिंदगी भर इस जेल में सड़ते रहोगे। हाँ वेरी गुड लेकिन रोज शाम को हमको लिटिल लिटिल देते रहना ठीक है। देखो ऐसा है जब तक तुम्हारा बीवी तुमको पीट रहा है ना तो पिट जाओ नहीं तो हम पीटने पे आ जाएंगे ना तो ये जो सब ताले है ना बिना चाबी के खुल जाएंगे समझो हमारी बात को। चाबी चाहिए। हाँ चाहिए ये लो। शराबी पति अपने पत्नी से बचने के लिए चाबी निकल गया। अजीब चाबी कैसे मिलेगी। सुबह में जब इसका पर्सनल ताला खुलेगा ना तभी ताला खुल पाएगा हम लोग समझ तो रही है ना। नहीं अरे क्या नहीं कल सुबह जब मैडम मैडम हम समझा देंगे फोन करके उनको। करीमा जी आप प्लीज हमारे साथ आइए आइए चलिए चलिए। थोड़ा सा प्याज टमाटर मिर्ची हो जाता ना मसाला डाल के तो चाबी का टेस्ट आ जाता। देखो करीमा क्या तुम सचमुच चाहते हो कि हम तुम्हारे पति का ये दारू का लत छुड़वा दें। हाँ मैडम लेकिन मैडम इस आदमी में दारू इस तरह भरी हुई है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें छोड़ देंगे लेकिन शराब नहीं छोड़ पाएंगे। मैडम प्लीज
कैसे भी करके कुछ भी करिए, लेकिन हमारी मदद कीजिए प्लीज। तो तुम एक काम करो, अपने पति को दो चार दिन के लिए लॉकअप में छोड़ो, हम ये जो दारू का लत है ना उसको ये छुड़वा देंगे। पक्का? हाँ पक्का। मैडम अगर आप सच में ऐसा कर पाई ना तो हम आपकी फोटो बना के उसके ऊपर फूल माला चढ़ाएंगे, हम उस पर धूप चढ़ाएंगे और रोज आपकी पूजा करेंगे मैडम, सच में। सॉरी, हमारा मतलब है भगवान की फोटो पे फूल चढ़ाएंगे। वो क्या है ना मैडम, घर का माहौल बहुत खराब रहता है इनके नशे की वजह से, हमारा एक छोटा बेटा भी है, सोचिए ना क्या असर पड़ता होगा उस पे। समझ रहे तुम्हारा घर का हालत, तुम बेफिक्र होके घर जाओ, हम ये दारू का लत ना छुड़वाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक आदमी हमारे थाने में आया, खुद को लॉकअप में बंद कर दिया, चाबी निगल गया। आप लोग कर क्या रहे थे उस वक्त? अरे गप्पे मार रहे थे मैडम। चुप रहो, कुछ भी बोले जा रहे हो। मैडम सर, हम आपके और डीएसपी सर के बारे में बातें कर रहे थे। वो मतलब ये कि कैसे एंड वक्त पे डीएसपी सर ने एंटीडोट लाके आपकी जान बचाई, वो ऐसी आ रही थी संतू। मैडम सर नहीं, वो ये जो शराबी है ना, इसका शराब का लत हम छुड़वा देंगे। अच्छा, कैसे, कोई तरकीब है आपके पास? नहीं, इसमें तकरीब का क्या जरूरत है? मैडम तरकीब? हाँ संतू, हम तकरीब ही बोले। तरकीब? पुष्पा जी आप ढंग से नहीं सुने हैं, हम भी तकरीब ही बोल रहे हैं। मैडम सर इसमें तकरीब का कोई जरूरत नहीं है, लॉकअप में रखेंगे तीन चार दिन ना, बिना दारू के तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। और फिर पुलिस का इतना डर बना देंगे ना इसके अंदर कि उस शराब से कभी ग्लास नहीं भर पाएगा ये शराबी। करिश्मा सिंह, उस शराबी की शराब की आदत छुड़वाना उतना ही मुश्किल है जितना आपका लात घूसे की आदत छुड़वाना है। बिल्कुल सही मैडम सर। हमें लगता है इसका एक ही ऑप्शन है, काउंसलिंग। उसे समझाना होगा कि शराब कितनी खराब चीज है, उसे कितना नुकसान पहुंचा सकती है, और वो काम उसे यहाँ रखकर नहीं हो सकता, उसे लॉकअप में रखने का कोई फायदा नहीं। अरे जल्दी खोलो, हमको जाना है। अरे हमको बाहर जाना है, टॉयलेट निकालो। ए, क्या बोल रहे हो बे? अरे हमारा मतलब है हमको बाहर निकालिए, हमको टॉयलेट जाना है। शराब पीने के बाद इतना घटिया घटिया थर्ड क्लास शायरी सोच लेते हो, ये चीज अगर पहले सोचे होते तभी कहीं बैठ के सोच कर रहे होते तुम बेटा। अरे मैडम सर हमको बाहर निकालिए, टॉयलेट जाना है। अब क्या किया जाए? आज हमें बिल्ले की बहुत याद आ रही है। पुष्पा जी, टॉयलेट से सीधा आपको बिल्ला का याद आ गया, क्या रिश्ता है दोनों का? नहीं नहीं वैसे नहीं, मतलब ये कि अगर आज बिल्ला यहाँ होता ना तो हमें इस मुसीबत से तुरंत छुटकारा मिल गया होता। और हम चले आते। ये क्या हो गया तुमको बिल्लू? What happened? अरे बिल्लू जी, आपका जो वो ऑल इंडिया चोर कमेटी का जो कॉन्फ्रेंस था खत्म हो गया? यस यस खत्म हो गया, और मुझे उसमें ढेर सारे पुरस्कारों से नवाजा भी गया है, मुझे ईयर ऑफ द चोर अवार्ड मिला है। हाँ हाँ यही मिला है, ये देखो ये वाला। यस सो All everybody is my chore community. वहाँ मैंने ऐसा स्पीच दिया था, विनिंग स्पीच। पहले तो मैं अपने कोचोर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे हर वक्त मेरा जज्बा बढ़ाया है। मैडम सर जिन्होंने मुझे हमेशा घटिया निकम्मा नाकारा समझा, उसी के चलते मुझे अपने थाने में अपना बिल्लू निवास बनाने के लिए दिया है, तो उनका धन्यवाद। You can't believe, मुझे और एक पुरस्कार से नवाजा गया है। हाँ भाई रुकना, बताता हूँ उसका नाम है हैंडसम चोर।
जूरी ने मेरा हेयर स्टाइल और मेरा स्माइल देखकर मुझे अवार्ड दिया, ये छोटू सा। हो गया हटाओ अभी, हटाओ ये सब, हटाओ, रखो ये चीज़, रखो आराम से, मेरा अवार्ड है, आराम से, ठीक से। हाँ ठीक है, रख दिया। अब ये अपनी अकल का प्रदर्शन बाद में करना, पहले अपनी कला का प्रदर्शन तो करो। ये ताला खोलो। ओ पुष्पा जी, ये तो मैं खोल दूंगा, लेकिन हमारे ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में तय हुआ है कि कोई भी मदद मुफ्त में नहीं करनी है। अगर ये ताला मैं खोल देता हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? हाँ देंगे ना, हम देंगे। अरे भैया, आप जो बोलोगे मैं सब दे दूंगा, तो पहले ये ताला तोड़ दूंगा। अगर अंदर के ताले टूट गए तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन आप मुझे पक्का दे दोगे ना? अरे दे दूंगा। देखो हाँ, तो मुझे अपने इस लॉकअप के लिए अच्छे से मैट्रेस चाहिए। अरे दिए दिए। पक्का? पक्का। लॉक करूँ? अरे करो नहीं, लॉक खोलो। हाँ खुलता हूँ, खुलता हूँ। संतोष जी, गिव मी पिन। दे दो वो, ये लो। ओह थैंक यू पुष्पा जी। अरे जल्दी करो भाई। हाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अरे जल्दी करो भाई। देखो भाई, ये ताला जब तक नहीं खुलता ना, तुम एक काम करो, वहां जाओ और सर नीचे पैर ऊपर, मतलब दिशा बदल जाएगी ना तो अंदरूनी जलवायु परावर्तित हो जाएगा और कुछ ही देर में यहाँ का मौसम बदल जाएगा। अब ठीक है आप? हाँ अच्छा लग रहा है। अब बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? देखिए अशोक जी, हम आपसे आपकी शराब की लत के बारे में बात करना चाहते हैं। तो एक बात बताइए हमें, आप कितनी पीते हैं शराब? ज्यादा नहीं, एक आध बार। हफ्ते में? ना ना, दिन में, फिर रात में, फिर दिन में, फिर रात दिन और दिन रात, बस। हाँ लेकिन नाश्ते में हमेशा अवॉइड करते हैं। हाँ ऐसा क्यों? अरे ठेके तक भी तो जाना होता है ना, कहीं रास्ते में लुढ़क गए तो इज्जत खराब हो जाती है ना, है? अच्छा और एक बात बताइए हमें, आप कब से पी रहे हैं शराब? कब से? आज शाम 6 बजे से प्लान है, रात तक। वो क्या है ना, जैसे सन डाउन होता है ना, हम थोड़ा अप हो जाते हैं। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं पूछे, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि आप कब से पी रहे हैं शराब? अच्छा कब से? जब बच्चन साहब की फिल्म आई थी ना शराबी, तब से। He inspired me a lot. एक मिनट, 1980? आप तब से शराब पी रहे हैं? ए यार, पैदा होने की सीधा बात, दूध के बोतल में दारुए भर के पी गए थे क्या तुम? अरे नहीं नहीं, कहा है कि 2010 में ये शराबी फिल्म टीवी पे आई थी, बस तभी से हमने पीना शुरू कर दिया। हम भी 10 दिन पहले टीवी पे देख रहे थे मर्डर, नहीं बस बता रहे हैं। अरे तुम भी तो पीते हो? फालतू इल्जाम है, क्या क्या पीते? हमने पीते? अरे हमने टीवी में देखा, चीता भी पीता है, इसीलिए हम तुमसे पूछे कि तुम भी तो पीते हो। जोक। ऐसे हम अपने मजे के लिए पीते हैं। अच्छा तुम्हारे लिए जो मजा है वो तुम्हारी फैमिली के लिए कितनी बड़ी सजा है तुम जानते हो? अरे हरगिज नहीं है मैडम। देखिए क्या है कि हम पी रहे हैं लगातार 10 साल से, लेकिन आज तक कभी भी हमने अपने बीवी बच्चों को ना तो मारा पीटा, ना कभी गाली गलौज की, और ना ही कभी करेंगे। इतने गिरे हुए इंसान नहीं है हम। और जो तुम्हारा बीवी तुम्हें नाले गटर से उठाकर लाती है उसका क्या? अरे तो काहे उठा के लाती है हमको ये बताइए। आपको पता है हर शराबी का एक कम्फर्ट जोन होता है, भाई हम अपने कम्फर्ट जोन के हिसाब से कहीं भी गिरे पड़े किसी को क्या मतलब है? हम अपनी पत्नी को कितनी बार समझाया कि हम जब गिरे होते हैं तो हमको ना उठाएं, लेकिन वो मानती नहीं है। अब आप बताइए हम क्या करें? कहा था मैडम सर को लातों की भूत बातों से नहीं मानते, अब इसका इलाज तो लातों से ही करना होगा।
ने ये कहा है कि हम पी रहे हैं 10 साल से लगातार, लेकिन आज तक कभी भी हमने अपने बीवी बच्चों को ना तो मारा पीटा, ना कभी गाली गलौज की, और ना ही कभी करेंगे। इतने गिरे हुए इंसान नहीं है हम। सुनो, ज्यादा बकैती मत करो, समझ गए? इतना दारू पियोगे ना तो अशोक से मुकेश बनने में तुमको देर नहीं लगेगा, बता रहे हैं। कौन मुकेश? अरे वो सिनेमा देखने जाते हो तो हीरो से पहले आता है ना वो काकड़ा सा इंसान, कहते मेरा नाम मुकेश है, मैं 4 साल से बीड़ी पिया, मेरी ये हालत है, वही वाला मुकेश। है, तो कोई भी मूवी शुरू होने से पहले ना तुम ये बोलते हुए पाए जाओगे कि मेरा नाम अशोक है, हम 25 दुकान बीवी का हाथ का सूढ़ी बेच दिया, दारू पीते, यही सब बोलोगे तुम। देखो अशोक, बात समझो, अगर तुम इतनी शराब पियोगे तो एकदम तुम्हारा लिवर खराब हो जाएगा, और लिवर खराब होने के बाद तुम जिंदा तो बचोगे नहीं, तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा तुमने कभी सोचा है? क्या हुआ? रुके रुके बताते, ये देखिए, ये है हमारा लीवर का रिपोर्ट। हमका है कि हर महीने हम जाके हॉस्पिटल में अपना लीवर चेक करवाते हैं ताकि हम सुकून से पी सकें, समझे? इतना दारू पियोगे ना तुम रोज तो गाड़ी के नीचे आके मरमुरा जाओगे, इसलिए कह रहे हैं सुधर जाओ तुम, वरना हम सुधारने पे आएंगे ना तो दारू की जगह पानी भी नहीं पी पाओगे। एक मिनट मैडम, आप होते कौन है हमारे और हमारी शराब के बीच में आने वाले? हम अपने पैसों की पीते हैं, आप सबके पैसों की नहीं पीते हैं, समझे? और ये किसी भी एंगल से गैर कानूनी नहीं है, ये पुलिस का धौंस है ना, हमें मत दिखाइए। अशोक रिलैक्स, बैठ कर बात करते हैं। हाँ, बैठे। अशोक, अशोक भाई, हमने कहा था ऐसे लोगों को समझाने का मतलब है पत्थर पर सर मारना है, जब तक इनको पत्थर नहीं पड़ते ना ये लोग नहीं समझते। आप ना ये केस हमें अपने तरीके से सुलटाने दीजिए, हम आपको वादा करते हैं कि हम इसका दारू छुड़वा कर रहेंगे। करिश्मा सिंह, ठीक है, करिए अपने तरीके से हैंडल, लेकिन जो कुछ भी करेंगी कानून के दायरे में रहकर करना, वरना हमें आपके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर, डीएसपी सर का फोन आया था, आपको ऑफिस बुलाया है। जय हिंद सर। जय हिंद। आपने बुलाया? जी। ये वो उपहार हैं जो आपने हमें दिए थे, आप इन्हें वापस ले लीजिए, और अगर आप चाहती हैं तो दुकान वालों को वापस भी कर सकती हैं। हम फिर से क्षमा चाहते हैं हसीना जी, हमने जो कुछ भी किया अपने कर्म और अपने धर्म के लिए किया। क्या करते हैं एजेंट जो ठहरे, प्यार करने की अनुमति नहीं है हमें। इट्स ओके सर, हम समझते हैं। जय हिंद। जय हिंद। हसीना जी, जी सर, चाय पियेंगी आप? नो सर, थैंक यू। एक कड़क चाय बोलिएगा, और हाँ हसीना जी ये चाबी भूल गई है, उन्हें दे दीजिए। आपके इस प्रेम प्रस्ताव को कोई नादान ही ठुकरा सकता है, और आप ये अच्छी तरह से जानती हैं कि हम नादान नहीं हैं।
शादी, प्यार, इजहार, ये जो कुछ भी था वो सब एक नाटक था इस मिशन के लिए? जी हाँ। क्या आपने कभी हमसे प्यार किया? जी नहीं। मैडम आपकी चाबी। यही है ना लोकेशन? मैडम लोकेशन तो यही भेजी थी उन्होंने। दिखाई तो नहीं दे रहे हैं आपके पति देव। मैडम आसपास में कहीं नाली ढूंढनी पड़ेगी, किसी नाली गटर में ही पड़े होंगे पक्का। मतलब कहां से ढूंढ के लाई हैं आप ऐसा पति? डैडी ने ढूंढा था मैडम। डैडी को कहां मिल गया? ठेके पे। डैडी भी पीते थे? इसकी मैया, ढूंढो नाला ढूंढो। करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह रुको नहीं है, मेरे को दारू पीने से रुकने वाली है? कौन नहीं तू? दारू पीने से मेरे को कोई रोक नहीं सकता। मेरी बीवी मुझे मारने से कभी नहीं थकती। ए इधर देख, ऐसे अगर आज के बाद मेरे को दारू पीने से रोका ना तो तेरे ऐसे कान खींचूंगा मैं कि तेरा सारा भोकाल निकल जाएगा, समझी? ए पूरी बात सुन के जा, ऐसे कैसे जा सकती है तू? ए करिश्मा सिंह, मैडम देख रही हैं आप इनका हाल, कैसे भी करके आप इनकी बस छुड़वा दीजिए मैडम। गरिमा तुम टेंशन मत लो, इनका दारू छुड़वाने का जिम्मेदारी है हमारा और हम हमारा जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्ले सुनो, तुमको अब क्या करना है, ध्यान से सुनो हमारा बात। तुम दोनों अपनी जिंदगी में बिना मेहनत के कभी गाड़ी के ऊपर बैठे नहीं, तो तुम दोनों को मैं ये जिंदगी में पहला और आखिरी मौका देता हूँ गाड़ी के नीचे आने का। ये है देखो, गाड़ी के नीचे मतलब पैसा कमाने का अच्छा इजी जरिया। ओके तो कैसा है ये देखो, ये पिक्चर तो पिक्चर क्या है? ये पिछला टायर है गाड़ी का, हाँ इसके नीचे आके ऐसे सो जाने का और ड्राइवर आएगा सेल्फ मारेगा। हो गई, हो गई। ओके गाड़ी स्टार्ट हो गई, जैसे ही वो गाड़ी आगे जाएगी तो चिल्लाने का मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। ड्राइवर ना बौखला जाएगा, उसको लगेगा कि मैंने गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा दी है, तो वो आएगा देखेगा कौन गया कौन गया, तो ऐसे उसको दबोच लेने का और अस्पताल का खर्चा निकालने का, ऐसे पैसे बटोरने के। समझ में नहीं आया। बिल भाई डेमो दे दो। हाँ हाँ डेमो डेमो, हर बात पे डेमो। ठीक है दिखाते, पीछे हटो, ये पिछला टायर है गाड़ी का, एक गज दूरी रखनी है, तो ये यहाँ पे ऐसे हम सो गए आराम से। और ड्राइवर आया, आ गया क्या? आ गया, आ गया। तो सेल्प मारेगा, मारा ना? अब ये धीरे धीरे आगे जाएगा। मर गया मर गया, ये तो रुक ही नहीं रहा है। अरे क्या बिल्लू भाई, आधे डेमो उठ गया तुम? हाँ ये क्या बात हुई, आधा डेमो? अरे मैं पूरा डेमो देता तो पूरा ही उठ जाता है। थैंक यू मुझे उठाया। हाँ मैंने कहा ना अलर्ट रहने का, क्योंकि इसमें रिक्स होता है। क्या रिक्स? रिक्स अरे एक बार खतरा बोल रहा हूँ। तो अभी तुम्हें ये दोनों को करना है, वो देखो वो व्हाइट कार है ना, उसके पिछले टायर में आना है तुम्हें, लेकिन डेमो आधा ही देना है, अलर्ट हाँ रिक्स बहुत है, समझे ना? स्टेशन आ गया, स्टेशन आ गया, चलो गाड़ी रुक गई, उतरो। लेके जाइए इनको, ऐसे नमूने दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते। जी मैडम। दुनिया एक मुंह माया है, आज मैंने नाश्ते में उपमा खाया है। गरिमा लेके जाइए ना, तो लेके जाइए, चलो चलो चलो, चाबी दो। अरे चाबी दो, आज गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा। भाई? अरे पति चलाएगा। चलो बैठो। क्या कर रहे हो? अरे बैठो, इतना दरवाजा तो हमारे घर में नहीं है जितना गाड़ी में है। चलो तुम
गाड़ी के पीछे लेट जाना, जैसे ही गाड़ी हल्का आगे ले ले तुम जोर से चिल्लाना शुरू कर देना। ये क्या कर रहे हो रिवर्स में क्यों? आज हम पीछे के रास्ते से घर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्लीज प्लीज। अरे ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही है? ओहो, हैंड ब्रेक तो मैंने हटाया ही नहीं। अरे ये तो आगे जाने के बजाय रिवर्स ले रहे हैं। अरे कुछ आवाज आई क्या? बिल्कुल आवाज आई। अरे आवाज आती है आवाज जाती है, तू कितनी दुबली हो गई, क्यों नहीं कुछ खाती है? अरे बस करो। क्या लग गई लोगों को? ड्राइवर बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ ड्राइवर। सो सॉरी, सो सॉरी। क्या हो गया? पुलिस भी आ गई। आपको लगी तो नहीं? मेरे दोनों भाइयों को ठोक दिया। एक मिनट अपना ये माधुरी दीक्षित बंद करो, और मरे नहीं हो जो मार डाला कर रहे हो। और तुम दारू के नशे में तुमने दो लोगों का एक्सीडेंट कर दिया, ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में तुम्हें अंदर करते हैं। चलो ये तो हमारा टैलेंट है। चल लेके जा इसको। बैठ उठ गया। बस बस हो गया। हो गया? हाँ चलो हो गया। फिर से आ गया हूँ यहाँ। किस्मत है कैसी, आप हैं एकदम कड़क बिना पानी के दारू जैसी। वाह बहुत घटिया। तो जैसा हमें शक था आपने बिल्कुल वैसा ही किया। किस जुर्म में अंदर डाल रही हैं इसे? ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में हमने इनको अंदर किया है, और कानून का तो काम है ना, जो गलत काम करता है उसको सजा दे, तो हमने सजा दे दी। अरे थोड़ा सा जाम ही तो लिया है, क्या गलत किया है? ए इधर आके दिखा, क्या तेरा शर्ट सिया है? मैडम इसको तो गलत शेर शायरी के जुर्म में भी 10-12 साल का सजा होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस है ना, तो पेनल्टी भरवाई और छोड़ दीजिए। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं है ना? हाँ साथ में चकना भी खाया होगा। अरे मैडम आप तो अपने वाली हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं है मैडम सर, ड्रिंक एंड ड्राइव के साथ इन्होंने दो लोगों के साथ एक्सीडेंट किया है, उनको घायल कर दिया बुरी तरीके से। इकबाल बदनाम अंदर आइए आप। देख रही है सड़क पर जा रहे थे दोनों, इन पे गाड़ी चढ़ा दिया है, इनका हालत देखिए। हाँ मैडम सर, हम तो खुद को मुर्दा समझ के 20 मिनट तक बेहोश पड़े थे। हमें आप दोनों पर और करिश्मा सिंह आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम अलग से डॉक्टर के पास ले जाकर इनका चेकअप करवाएंगे। और एक चीज सब लोग याद रखिए, जब तक हम इस थाने में कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे। हाँ आप कराइए ना चेकअप, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैडम कुछ सोचा? सोच रहे। मैडम जल्दी से कुछ सोचिए गारंटी के साथ। मैडम कुछ सोचा? सोच रहे हैं। देखो भैया ऐसा है, मैडम सर ने मांग लिया असली की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में तुम लोग बचपन से फेल हो रहे हैं और माँ बाप से लात खाते रहे हैं, बताओ। मैडम इस रिपोर्ट में फेल हो जाएंगे हम कहाँ जाएंगे बताइए आप? सीधा ऊपर। ठीक है तो फिर अब क्या है ना, असली में हड्डी तोड़ने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मैडम आपने सिर्फ नाटक करने के लिए बोला था हमें। बोला था। मैंने तेरे को पहले ही कहा था, पुलिस वाले से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। आज जो मेरा हाथ टूटा उसका जिम्मेदार तू है, तेरा हाथ जो टूटा उसका जिम्मेदार मैं हूँ।
अरे सब कुछ हमारे हाथ में था, लेकिन आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है। है तुम्हारे हाथ में है। क्या है? डंडे। ये डांडिया खेल इसका। अरे देखो तुम अपने आप को मार लो तो एक हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा। मैंने और मैडम ने मारा ना तो 4-5 फ्रैक्चर हो जाएंगे, तो पता नहीं चलेगा ना एक्सीडेंट है कि नहीं। इसीलिए तुम अपने अकल से, अपने ताकत से अपने आप को मारो, एक्सीडेंट लगेगा, डॉक्टर को कुछ पता नहीं चलेगा। तो शुरू हो जाओ। देख इकबाल, चोट बर्दाश्त नहीं मुझे। अरे इन्हीं हाथों से तो मैं चाय बनाकर लोगों को पिलाता हूँ। आराम से मारना भाई। तो इन्हीं हाथों से हम बाल काटते हैं और जिनके बाल नहीं होते उनकी दाढ़ी बनाते हैं। एक काम करो, ऐसा मारो ना कि चोट भी लग जाए और दर्द भी ना हो। देख तेरा राइट तोड़ने का कि लेफ्ट तोड़ने का। अरे सब कुछ तोड़ेगा ना तेरा फायदा ला। अबे बदनाम, लेफ्ट पे प्लास्टर है तो यही तोड़ने का है ना। चल लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। जब तक तोड़ेगा ना तब तक छोड़ेगा ना। रे इधर थोड़ा नीचे, इधर और नीचे, इधर और नीचे। अबे हाथ खत्म हो गया पूरा। तो ठीक, तो बीच में मारो, बीच में मार 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 मार। हमारे पास एक आईडिया है, मारने दो। आईडिया? हाँ आईडिया सुनो। देखो ऐसा है कि जब तक ये केस चल रहा है ना, तुम लोग मैडम सर की नजरों से हो जाओ फुर। हम उनको बोल देंगे तुम अपना ये टूटा हाथ और अपना जलील सा चेहरा लेके यहाँ से भाग गए हो, ठीक है? फिर तो क्या खाक वो रिपोर्ट निकालेंगी जब तुम दोनों यहाँ नहीं होगे। मैडम मैडम मैडम, ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? एक बार चल भाग चलते हैं और मैडम सर के साथ लुका छुप खेलते। चलो जल्दी चल। भागो बिल्ले। हाँ मैडम। देखो बिल्ले, ये दोनों ना मैडम सर की नजरों में आने नहीं चाहिए, नहीं तो तुम दुनिया की नजरों में कभी नहीं दिखोगे। हाँ ठीक है, ये सीक्रेट रखने के बदले मुझे क्या मिलेगा? चलो चलो, देर हो रही है थाने में। सुर देखो एकदम सूरज सर पे आ गए, काले पड़ जाएंगे हम। आप समझे? नहीं नहीं, हम नहीं समझे। हाँ तो हम सब पूछ रहे हैं, समझा तो रहे ना। मैडम ये अपने हस्बैंड से मिलना चाहती है। मैडम खाना लेकर आए थे उनके लिए, नशा उतरा उनका। आपके सामने, आप खुद ही देख लीजिए। एक्सक्यूज मी, खाने में स्वीट स्वीट क्या है? बिल्लो स्वीट। ये क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं शायद। एक बात बताइए, आपके हस्बैंड हमेशा ऐसे चिपकली की तरह सोते हैं क्या? हाँ संतू जी, आप खाना लेकर जाइएगा ना तो ऐसे करके खा भी जाएगा वो। कैसे कैसे? मजाक की, सॉरी। नहीं नहीं, पक्का कुछ गड़बड़ है। मैडम आप जरा प्लीज बिना आवाज किए लॉकअप खोलेंगे क्या? सुनिए क्या कर रहे हैं आप? अरे माँ, गरिमा, तुझको देखता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। बोतल में जो नशा है तुझ में नहीं पाता। मैडम जरा दीवार चेक करिए तो। एक मिनट मैडम, आपके पति सामने खड़े, आप दीवार देखने की बात कर रही हैं? अरे आप एकदम अपने वाली हैं। हटिए। एक मिनट, हटिए हटिए। हेलो, क्या है पुष्पा जी? क्या है? शराब। नहीं आप कहे तो इसके साथ चखना भी लगवा देते आपके लिए। जिस हिसाब से चुस्की मारा है आपने इस पाइप से, अब पटियाला पैक पी चुकी है पुष्पा जी। मगर हम ठीक है। किसका हिम्मत हुआ यहाँ पे दीवार में छेद करने का? किसका हिम्मत हुआ? देख रही है मैडम आप,
जेल के अंदर होते हुए भी पक्का किसी को पैसे देके इन्होंने दीवार में छेद कर दिया और यहाँ बैठकर भी नशा कर रहे हैं। ये क्या दारू छोड़ेंगे? हम आपके लिए खाना लेकर आए थे लेकिन आप ना सिर्फ जूता खाने के लायक हैं। बाप रे बाप, नहीं लोग को थाली में छेद करते हुए तो देखे थे, दीवार में छेद करने वाला पहला इंसान देख रहे हैं हम। तो ये तो फिर मेरा टैलेंट हुआ ना। चुप। टैलेंट के टैलेंट मेरे दिल्ली यूनिवर्स का पार बना दिया। इसके पीछे है क्या ये अभी देखना पड़ेगा हमको। चलो। नहीं मैं क्या कहता हूँ, एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं, मैं टेस्ट करके देखता हूँ क्या है क्या। बिल्ले। चलो बाहर चलते हैं। आइए मैडम आइए। ओहो, इन्होंने तो सलाई नहीं लगाई है ना? इतना ज्ञान खाली किया है, I can't believe। ये आदमी तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी में MBBS किया हुआ है ना। बताइए, दारू पीने के लिए दीवार में सुरंग बना दिया, देखिए। मैडम जी, आप ना इस आदमी को जब जहाँ जैसे जितना चाहे मारना चाहिए मारिए। नहीं 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 नहीं, आपको पता नहीं आप किससे कह रही हैं। दोबारा एक बार सोचिए और फिर बोलिए। सोच लिया हमने, सोच लिया। मैडम जी, आप इन्हें खूब मारिए, इतना मारिए कि इस आदमी का नशा पूरी तरह से उतर जाए। मार मार के इस आदमी की खाल उधेड़ दीजिएगा। हाँ, लेकिन हड्डियां छोड़ दीजिएगा मैडम जी। क्यों? क्योंकि वो हम खुद तोड़ेंगे। ओह।